स्वागतम यार दोस्तों, कूलर बंद करो पहले। स्वागतम दोस्तों, अभी देखो दिवाली आने वाली है, ठीक है, 4-5 दिन रह गए दिवाली। हम सोच रहे हैं कि शैडो की भी थोड़ी दिवाली की तैयारियां करा दे, उसको भी थोड़ा नवा दवा के नोना नोना बना दे। चलो आओ, आपको ना आज मैं पूरा शैडो का स्किन केयर तो नहीं होगा, क्यों होगा स्किन केयर नहीं होगा। तो आओ आपको मैं शैडो का कोट केयर दिखाती हूँ। सिर से लेके पूरे पैर तक साफ करेंगे, इसके कान भी साफ करेंगे, इसको नहलाएंगे भी, और क्या कर दें, ब्रश भी मारेंगे। शैडो को टिक्स है नहीं, बट फिर भी हमने काफी टाइम से इसको ना टिक वाले उससे नहलाया नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शैम्पू से। एक टिक निकला था इससे, इसके कान के पास से, सो मैं सोच रही इसको टिक वाले शैम्पू से नहला दूं आज। पर शैम्पू भी तो पिया सी ना मम्मी, यार साबुन तो किवें नवाऊंगी मैं, साबुन से कैसे नहलाते हैं, मुश्किल होएगी ना। वैसे तो हमारे पास ना शैम्पू और सोप दोनों पड़े थे, बट अभी पता नहीं शैम्पू किसी को, शायद मम्मी कहती है हमने दे दिया है किसी डॉग के लिए दे दिया था, और अब सिर्फ साबुन पड़ा हुआ है उससे नहलाना पड़ेगा। उससे मैं रोज रोज सोच रही हूँ कि मैं आज साफ करूँगी, अभी नहीं कराना तो फिर देखना होगा ही नहीं, इसलिए मैं फटाफट ना पहले यही समेटती हूँ, उसके बाद इसको नहलाना पड़ेगा। ये आधा सामान ऊपर है, ये आधा सामान नीचे है, साफ करके फटाफट मैं सामान डालती हूँ, उसके बाद हम शैडो को नहलाएंगे। चकाचक अभी सारा सामान इसमें वापस ढंग से रखते हैं। और वो चीकू का बच्चा उसकी पूंछ के साथ खेल रहा है, नहीं कॉफी का बच्चा सॉरी। अब इसको नहलाते हैं। I've been thinking about myself today, thinking how I've changed. 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दो। चीजी नाई नाई कर रही है, नाई। देखो दो तीन बात करते हैं, एक तो सबसे पहले जब आप अपने डॉग को नहला रहे हो ना, तो आपका पानी जो है ना वो एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं होना चाहिए, आप प्लीज बात का ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपका डॉग बहुत ज्यादा शांत रहता है फिर तो ठीक है, बट अगर आपका डॉग थोड़ा सा भी इसे नॉटी है तो अपने डॉग को थोड़ा ना ऐसे बांध दिया करो एक बार नहाते हुए, ताकि इधर उधर भागे ना वो। जब भी आप शैम्पू कंडीशनर कुछ भी ले रहे हो ना, तो ऐसे मत देखना कि ये तो बहुत महंगा है सस्ते वाला देखते हैं, नहीं, उनके कोट की सॉफ्टनेस में भी फ़र्क पड़ेगा, कोट की क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सस्ते से शैम्पूज के पीछे जा रहे हो, डॉग का कोट है ना वो बहुत रफ हो जाएगा। कैसा चमत्कार है, इतना शांति बैठता नहीं है नहाते हुए, पता नहीं इसको आज क्या हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने डॉग के जो कोट का जो साइड है, लाइक आगे से पीछे वाला, ऐसे करके शैम्पू मत लगाना कि यहाँ लगा लिया उसके बाद बस ऐसे ऐसे, वो अंदर तक नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ मैं सच में, कि एक तो आपको अपने डॉग के जो हेयर के जो साइड है उससे एंटी डायरेक्शन में ब्रश करना है पहले, उसके बाद उसके एंटी डायरेक्शन में ही पानी डालना है, उसके बाद एंटी डायरेक्शन में ही सोप लगाना है, या जो भी मतलब शैम्पू लगा रहे हो सोप लगा रहे हो वो एंटी डायरेक्शन में होना चाहिए। हेयर की डायरेक्शन में करोगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही लगेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, अब शैडो को नहला देते हैं। 6.5 hours later. लो भाई, शैडो दी तो हो गई नाई नाई, नाल मेरी भी हो गई। अगर आप अपने डॉग को नहलाने के बाद अगर नॉर्मल टॉवल से ड्राई कर रहे हो तो चलेगा, बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप इसको माइक्रोफाइबर टॉवल जो होता है ना वो बहुत जल्दी पानी सोखता है, उससे आपका जो डॉग का कोट है वो अंदर से भी ड्राई हो जाएगा। डॉग का कोट जो है वो बिल्कुल अंदर से गीला नहीं रहना चाहिए, वो ड्राई भी और एंटी डायरेक्शन में ही करना है, ताकि जो आपने शैम्पू और पानी अंदर तक लगाया था डॉग के कोट पे, वो आपका पूरा अंदर तक सूखना भी चाहिए। ब्लो ड्राई करके अपने डॉग के हेयर को कोट को अंदर तक पूरा ड्राई कर सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। एयर है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए या कूल होनी चाहिए। शैडो बहुत डरता है ब्लो ड्राई से, तो वो बिल्कुल पास नहीं आता, इसलिए हमें इसे टॉवल से ही ड्राई करना पड़ता है। एक्सरसाइज हो गया आज तो,
कमर ही दुख गई मेरी। देखो मैं शैडो ने जिन्ना हो सकता सी उन्ना सुकाता है, ठीक है। और अब शैडो को भूख लग रही है इसलिए किचन में आके बैठ गया, इसलिए अब हम इसको देंगे इसकी फूडी चिकन। गुड बॉय बन के नाई नाई किया ना, इसलिए अब उसको चिकन मिल रहा है। देर हो गई है शैडो को नहलाए को, वो सूख भी गया है और अब हम उसके कान साफ करते हैं। चाओ की बच्ची इतने की कर रही है। अब बॉटल देख के शैडो दी थोड़ी ना कप कप ही छूट गई। डर का माहौल है गाइस, डर का माहौल है। ओहो ओहो या अरे कान नहीं छुप गया। ज़्यादा है नहीं, थोड़े टाइम पहले ही साफ किया था। जब भी ऐसे कान साफ करो ना तो एक तो कॉटन नहीं लेनी चाहिए, एक टिश्यू लेना चाहिए और ज़बरदस्ती अंदर नहीं डालना टिश्यू कान के, कि जितना अंदर डालो कितना साफ होगा ऐसा नहीं है। आराम से डालना और जितना जाता है आराम से ऊपर ऊपर उतना ही डालना। और ना दोनों कानों के लिए ना अलग अलग टिश्यू यूज़ करना है, एक से ही दोनों कान मत साफ करो। कुछ गंदे थे नहीं इसके कान क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही साफ करे थे, पर फिर भी ये देखो पिंक पिंक हो गए बिल्कुल। गंदे रहना पसंद है ना, इनू नहाना पसंद है ना, इनू कान साफ कराना पसंद है ना, गंद च रहना पसंद है। लास्ट टास्क, एक लास्ट काम रह गया है जो कि है शैडो को ब्रश करना। अभी थोड़ी देर तक करेंगे शैडो को ब्रश। A few inches later. तो आपने अगर हमारी एक वीडियो देखी है ना तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये क्या पड़ा है यहाँ पे। देखिए मैं बता देती हूँ, दिस इज अ पॉली बैग जिसमें ना हम शैडो के बाल इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम पहले हमने शुरू करा था ये, पर बीच में से छोड़ दिया इसीलिए ज़्यादा भरा नहीं है। तो हम ये इकट्ठे कर रहे हैं जिसका रीज़न है हमें भी नहीं पता है हम क्यों ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमने सोचा फेंकने से अच्छा है कि इकट्ठे कर लो, क्या पता कुछ काम ही आ जाए। कल को हमने कोई सराहना बनाना है, कोई रजाई बनानी है, कुछ बनाना है तो हम बना सकते हैं ना, वो हमारे फिर कॉटन पे पैसे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ये इकट्ठे करते हैं। होपफुली ये हमारा प्लान एक दिन ज़रूर काम आएगा और हम एक दिन ज़रूर शैडो के लिए या तो कोई स्टफ टॉय या पिल्लो या ऐसा कुछ बनाएंगे शैडो के लिए, शैडो के ही बालों से। इतना एक्सरसाइज होगी मेरी बाजू होगी क्योंकि इसको 4 घंटे तक मुझे ब्रश करना पड़ेगा। फिर से वही बात, जब आप अपने डॉग को ब्रश कर रहे हो तो ऐसे उल्टे डायरेक्शन में ज़रूर ब्रश करना। इससे जो ज़्यादा टूटने वाले बाल होते हैं ना, जो कोट के अंदर ही रह जाते हैं, वो ऐसे बाहर आ जाते हैं। और इसमें मैं सिर्फ आज आज के बाल इकट्ठे करके दिखाती हूँ। हमारा ब्रश भी शैडो के प्रकोप से घबरा गया है, ये देखो इसके दांत निकलने लग गए ब्रश के भी। One eternity later. It's almost an hour. तो मैं थक गई हूँ ये कर करके। ये देखो एक घंटे में इतनी थैली भरी है, अभी भी इस पे बाल ऐसे लगे हुए, ये तो उतर ही नहीं गए। ओ भाई मेरी कमर दुख गई है। मैंने इतनी बड़ी नींद ले ली है ना अपनी, इतनी बड़ी झपकी ले ली है घंटे के बीच में, मेरी इतनी मेहनत लग गई। अब जितना करना था काम हो गया, अब कल करूँगी और ब्रश जितना कर सकती हूँ, क्योंकि अभी ना ताज़ा ताज़ा नहाया ना आज, इसीलिए इसके आज काफ़ी बाल उतरने थे और अभी और उतरेंगे भी। बट मैंने मेरी तरफ से तो बड़ी कोशिश करी। शैडो की तो एक बार हो गई है सारी स्किन केयर वाली रूटीन कंप्लीट, ठीक है, कोट केयर वाली सारी रूटीन कंप्लीट। अब मेरे को आप भी बताना कि आप अपने डॉग को क्या कुछ और करवाते हैं, हो सकता है फिर हम भी ट्राई करें शैडो के लिए वो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी, पसंद आई नहीं आई, जैसी भी थी प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपने यहाँ तक देखी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली शैडो की तरफ से भी।